हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वी शर्मा, अंग्रेजी का भूत, एंड आई वेलकम यू टू 10th लेसन। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, और इन लेसन से अगर बेनिफिट हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए 10th लेसन की बात कर रहा हूँ, और इस 10th लेसन में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ बॉडी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आपको याद होगा, अगर आपने कभी ग्रामर की बुक उठाई हो तो उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को मैं बोल रहा हूँ बॉडी पार्ट्स ऑफ स्पीच या बॉडी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये बॉडी पार्ट्स क्या हैं, इनसे क्या बेनिफिट होगा, इसको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, तो दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आपकी जो कार है वो एक नैरो रोड पे चल रही है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपकी जो कार है उस नैरो रोड के कंपैरिजन में करीब 6 times or 8 times वाइडर रोड पे चल रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी कार को वाइडर रोड पे, चौड़ी रोड पे चलाना चाहोगे या उस नैरो रोड पे चलाना चाहोगे? ऑफ कोर्स आप चाहोगे कि आपकी कार उस वाइडर रोड पे चले, उस चौड़ी रोड पे चले। तो जब चौड़ी रोड पे कार चलेगी तो आपकी कार की स्पीड अच्छी होगी, आप अपनी कार को लेफ्ट राइट कहीं भी सेव कर सकते हैं, उसमें स्टंट अच्छे कर सकते हैं, आप उस जर्नी को एंजॉय करेंगे, कार चलाने में आपको एंजॉयमेंट फील होगा। यानी कि जब हमारी कार उस नैरो रोड पे चलती है, यानी जब हम सेंटेंस बोलने के लिमिटेड मैनर्स ही जानते हैं, तो हम कम एंजॉय करते हैं, रिस्क कम लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जब हमारी वो ड्राइविंग, हमारी जो स्पीकिंग वाली कार है वो एक नैरो रोड से वाइड रोड पे आ जाएगी, तो हम कितना कंफर्ट फील करेंगे, कितना अच्छा फील करेंगे, उसमें एंजॉयमेंट होगा और हमारी फ्लुएंसी यानी स्पीड भी जो है वो बढ़ेगी। तो आज इस बात को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की। बॉडी पार्ट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। तो चलिए ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हो और सामने से कोई इंसान आ रहा है, आपने देखा कि वो जो इंसान है उसकी जो नोज़ है, उसकी जो नाक है, वो यहाँ लगी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसको मुड़ मुड़ के देखोगे, आप उसको देख के हंस सकते हो, या अपने साथ वाले लोगों को दिखाओगे कि देख उसका जो बॉडी पार्ट है वो सही जगह पर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हमारा सेंटेंस अनहेल्दी होता है, या हमारे जो स्पीच है, हमारे जो सेंटेंस हैं, उसके बॉडी पार्ट्स इधर उधर हो जाते हैं, लोग हमें मुड़ मुड़ के देखते हैं, अपने साथ वालों को दिखाते हैं या हम पर हंसते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंग्लिश है उसमें हमें कॉन्फिडेंस फील नहीं हो पाता। तो आज के बाद हम हमारे सेंटेंस में या हमारी स्पीकिंग में अपनी कार को नैरो रोड से वाइड रोड पर लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ और इस बात को समझते हैं कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल होती है। तो अब एक चीज़ लेके चलते हैं जो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट आइडिया कन्वे कर रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या है, वो ये है कि मान लीजिए ये मेरा हेड है, हेड का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो हेड है, अगर यहाँ पर मैं वाटरमेलन रख दूँ या कोई तरबूज रख दूँ, तो आप उस तरबूज को मेरा हेड कहोगे, है ना? या फिर ये जो हैंड है, मान लीजिए यहाँ हैंड ना हो, यहाँ पर कोई डिवाइस हो मैकेनिकल और उससे मैं सारे हैंड वाले फंक्शन कर रहा हूँ, तो उसको मेरा हैंड ही कहा जाएगा ना। कुछ लोगों के पत्थर की आँख लगी होती है तो उसको हम आँख कहते हैं ना, पत्थर नहीं कहते ना। यानी कि जो चीज़ जैसा फंक्शन कर रही है उसका वही तो नाम होता है। तो एक्चुअल में अभी तक हमने केवल डेफिनेशन से याद करी हैं, हमने उनके फंक्शन नहीं समझे हैं। आज के लेसन में हम उनके फंक्शंस को समझेंगे। जिस चीज़ का जैसा फंक्शन होता है उस चीज़ का वैसा ही नाम होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास ये बैग रखा हुआ है, ये कैमरा बैग है, ओके, और मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये पहले तो आप जानते हैं कि ये नाउन है, इतना तो मेरे ख्याल से आप समझते ही होंगे। अभी तक इस नाउन को वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन अगर मुझे बोलना है कैमरे को बैग में रखो, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप बोलोगे पुट द कैमरा इन द बैग, और दूसरा रास्ता जो सीधा सा है वो ये है कि जो बैग है ना, इसी को आप वर्ब बना सकते हो, यानी कि बैग योर कैमरा, अपने कैमरे को बैग में रखो, लगाना थोड़ा सा स्मार्ट। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, इस दुनिया में हर चीज़ जो है ना वो नाउन है, और उस नाउन का जैसा जैसा आप इस्तेमाल करते हो वैसे वैसे उसके फंक्शन हो जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने ये बैग को वर्ब की तरह यूज़ करा, तो अब ये जो बैग नाउन था ये वर्ब बन गया। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मान लीजिए सामने मेरे विंडो है, मुझे इसमें शीशा लगवाना है, तो मैं
दो तरीके हैं कहने के जो भी आपके सामने में डिस्कस कर रहा हूँ, या तो मैं ये बोलूँ फिक्स द ग्लास इन दिस विंडो, या फिर मैं ये बोलूँ ग्लास दिस विंडो। तो ग्लास दिस विंडो में मैंने ग्लास को वर्ब बना दिया। अब ये तो खैर मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं उस बारे में बात करता हूँ जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। चलिए बेड का एग्जांपल लेते हैं, बेड मतलब बिस्तर। अब आप याद करो, कहीं आपने इस बेड को वर्ब की तरह यूज होते सुना है? शायद याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जो आपने फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही सुन लिया होगा, बेड को वर्ब की तरह यूज होते हुए देखा होगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आप याद देखिए, यहाँ पर याद करिए यहाँ पर कि अर्ली टू बेड, यहाँ जो टू के बाद वर्ब लगनी थी वहाँ पर बेड लगा हुआ है, इसका मतलब है बिस्तर पर जाना। तो वैसे तो बेड का मतलब बिस्तर होता है, लेकिन यहाँ पर बेड का मतलब हो गया बिस्तर पर जाना। चलिए अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करके देखते हैं। मान लीजिए रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, वर्ब है, एक्शन है, लेकिन इसका नाउन कैसे बनेगा? आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग रन, मैं एक लंबे रन के लिए जा रहा हूँ। आई एम थिंकिंग इन लॉन्ग रन, मैं लंबे रन के बारे में सोच रहा हूँ। आई वेंट फॉर अ रन, मैं दौड़ के लिए गया, तो वहाँ था दौड़ना, यहाँ हो गया दौड़, यानी कि उस वर्ब का नाउन बन गया। चलिए ये तो खैर आप सोचोगे कि भाई वर्ब और नाउन के बारे में ही बात कर रहा है ये भूत, तो है ना, मैं और थोड़ा सा डिफरेंट लेके कुछ और बताता हूँ आपको। आउट माने बाहर होता है, प्रीपोजिशन की तरह हम इसको अक्सर यूज करते हैं, लेकिन कई बार आपने ये भी तो सुना होगा अगर थोड़ा बहुत मूवीज वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, वेयर आर यू, आई एम आउटिंग, यानी मैं बाहर हूँ। देखो आउट में आईएनजी लग गया, यानी ये जो आउट है ये यहाँ पर वर्ब बन गया। इन का एग्जांपल लेते हैं, इन, इन माने अंदर होता है, में होता है, लेकिन कई बार कभी आपने सुना हो उसे अंदर आने दो, लेट हिम इन, इन मतलब यहाँ पर हो गया अंदर आना। चलो अब ये तो आपने सोचा कि भाई मैं हर चीज़ का वर्ब की तरह यूज़ करके दिखा रहा हूँ, और थोड़ा इसको मैनिपुलेट करते हैं और इसके साथ खेल के देखते हैं। जैसे इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, अगर मैं इसको एडजेक्टिव बनाऊं तो कैसे बनेगा? इनसाइड रूम इज डर्टी, यानी अंदर से कमरा गंदा है। इनसाइड रूम इज ब्यूटीफुल, अंदर से कमरा, या अंदर कमरे का जो अंदर वाला हिस्सा है वो सुंदर है। तो इनसाइड को मैंने रूम के पहले लगाया और ये एडजेक्टिव बन गया। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं, हो सकता है आपको अभी कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि ये एडजेक्टिव और वर्ब ये क्या है, हमें तो यही नहीं पता, अभी समझ आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। ये तो केवल ये बताने के लिए था कि एक ही शब्द को अलग अलग तरह से यूज़ करके आप उन शब्दों के साथ खेल सकते हैं। जैसे एक और अभी याद आ रहा है, उसको कन्वे करता हूँ, जैसे वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन आपने इसको वर्ब की तरह खूब यूज किया है। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी लगा रहा हूँ, तो पानी जो वर्ड है उसका वहाँ पर मतलब हो गया पानी लगाना। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, हर चीज़ का एक्सट्रीम लेवल तक आप लेकर जा सकते हैं और हर चीज़ नाउन से ही बनी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है स्विच, इसी से हमने वर्ब बना दी, स्विच ऑन द ट्यूबलाइट, स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, तो ये स्विच से बन गया। पेंट का मतलब होता है कलर, यानी कि जो लिक्विड होता है उसको पेंट कहते हैं, लेकिन कई बार हम ये भी तो बोलते हैं पेंट दिस वॉल, इस वॉल पे पेंट कर दो। किसी बॉटल का जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं कैप, ढक्कन खोलने को क्या बोलते हैं? अनकैप, अनकैप दी बॉटल, और ढक्कन लगाना हो तो कुछ लोग हो सकता है घुमा के बोलें भाई क्लोज दी कैप ऑफ दिस बॉटल, लेकिन ऐसे भी तो बोल सकते हो कैप दिस बॉटल,
यानी इसका ढक्कन बंद कर दो। चलिए और लेके चलते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई ब्रदर है या सिस्टर है, छोटा भाई, अब सर्दियाँ चल रही हैं, वो बाहर जा रहा है बाइक पर, तो कई बार अगर आपको ये बोलना हो, भाई ऐसा करो यार, अपनी सिस्टर को बोल रहे हो स्ट्रॉल ले लो अपना या स्ट्रॉल पहन लो, तो दो रास्ते हैं। पहले या तो आप ये बोलते हो गे टेक योर स्ट्रॉल, वियर योर स्ट्रॉल, एक वर्ब एडिशनली और उसको वहाँ यूज़ करा, लेकिन आप स्ट्रॉल को भी तो वर्ब बना सकते हैं, स्ट्रॉल योर सेल्फ। आपका फ्रेंड है और वो कहीं, फॉर एग्जांपल आप साथ में जा रहे हो वॉक के लिए जा रहे हो और वो हाफ पैंट में ही चल रहा है, आप उसको बोलते हो अरे भैया पैंट पहन ले, तो आप उसको बोल सकते हो पैंट योर सेल्फ। यानी कि हर नाउन की वर्ब बन सकती है, किसी भी नाउन को वर्ब बना के आपको ज़्यादा वर्ब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही बोलते चल सकते हो। जैसे पहले आपको याद होगा बोलते थे लीव माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन अब बोलते हैं अनहैंड मी। चलिए खैर, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मज़ेदार है, अच्छा लगता है। अब इसी चीज़ को और डिटेल में समझते हैं और इसका कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। और इन लेसन्स के थ्रू हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नाउन दिया हुआ है जो हमारे नोट्स में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं नाउन के बारे में फिर से आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे नाउन में आपने देखा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, आप हमेशा पढ़ते ही आए हैं। आज से हम ये समझेंगे कि आपके दिमाग में जो भी कुछ आता है वो सब कुछ नाउन है। और जैसे एग्जांपल में हम देखें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, फीलिंग है ना, तो वो पर्सन में आ रही है ना प्लेस में आ रही है ना थिंग में आ रही है, फीलिंग है, लेकिन ऑनेस्टी भी नाउन है। यानी कि हर चीज़ नाउन है। अब आप इनको प्रीपोजिशन मानते थे लेकिन आपने देखा कि इनको मैंने वर्ब बनाया। चलिए खैर, अब मैं बात करता हूँ और इस नाउन में जैसे मैं अभी आपको अलग अलग तरह के एग्जांपल्स दे रहा था, कुछ एग्जांपल्स और कंसीडर कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जैसे वाटर का एग्जांपल लिया हमने, जैसे ग्लास दी विंडो का एग्जांपल लिया हमने, जैसे बैग और कैमरा का एग्जांपल लिया हमने। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कप। ओके, तो ये बड़ा थोड़ा फैमिली टाइप एग्जांपल है, घर में अक्सर देखने को मिलता है। मान लीजिए आप कुछ मिल्क है जो किचन में रह गया था और आपकी मम्मी मॉर्निंग में आपसे पूछती है भाई किचन में मिल्क रखा था वो कहाँ चला गया, आप बोलते हो मम्मी मैंने वो कप में रख दिया था। तो या तो आप ये बोलोगे आई हैड फिल्ड द मिल्क इन द कप, लंबा सा बोलोगे है ना, घुमा के बोलोगे भाई मैंने फिल कर दिया था मिल्क को कप में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आई हैड कप्ड द मिल्क, यानी मैंने उसको कप कर दिया था। कप करना मतलब कप में भर देना। ओके, ट्रे का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं 7 or 8 people और आपकी सिस्टर या आपके मदर जो हैं वो टी प्रिपेयर कर रही हैं, तो 8 chai हो गए हैं, कप 8 cups ऑफ टी हो चुकी है और कुछ स्वीट्स हैं, कुछ नमकीन हैं, बिस्किट्स हैं, और आपसे बोला जाता है भाई ऐसा करो इन्हें ट्रे में लगा लो, या तो ऐसा बोलेंगे पुट ऑल दीज आइटम्स इन द ट्रे, या फिर ऐसा भी तो बोल सकते हैं अगर हम ट्रे को ही वर्ब बना दें ट्रे ऑल दी आइटम्स। मान लीजिए फॉर एग्जांपल खिड़की है, खिड़की से धूप आ रही है और आप बोलते हो अपने फ्रेंड को या सिस्टर को कि भाई पर्दे गिरा दो, तो या तो आप ये बोलोगे ड्रॉ द कर्टेन, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हैं और यूज़ करना चाहते हैं नाउन को वर्ब की तरह, तो आप बोलोगे कर्टेन द विंडो, यानी कि कर्टेन कर दो विंडोज़ को, इन पेजेस को फाइल में लगा लो, फाइल दीज पेजेस। इस तरह से आप स्मार्टली किसी भी नाउन को वर्ब बनाना आज से ही शुरू कर दीजिए। डोंट डिपेंड कि आपको सारी वर्ब ही याद करनी है, आप नाउन को ही वर्ब बना सकते हैं और अपनी लाइफ में स्मार्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। इन सेंटेंसेस में आपने महसूस किया होगा कि कुछ हमने इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जिन्हें हम ऑर्डिनरी मैनर में या अपनी रोज़ की इंग्लिश में नहीं यूज़ करते हैं। हम हमेशा वर्ब को खोजते रहते हैं कि भाई मैं क्या वर्ब लगाऊंगा, ऐसे करने को क्या कहते हैं। चलो तो एक और यूज़ कर लेते हैं, अभी माइंड में आ रहा है। मान लीजिए किसी के पास कोई कहानी है या 50-60 पेजेस का कंटेंट है, आप बोलते हो भाई इसकी बुक बना दे, तो कई बार आप ये बोलोगे पब्लिश योर कंटेंट इन द बुक, लेकिन आप ऐसे भी तो बोल सकते हो बुक योर कंटेंट।
तो अब देखिए सेंटेंस छोटा हो रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा है और हमारी जो इंग्लिश है उसका जो स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से सबसे पहली चीज़ जो हम सीखते हैं कि हर नाउन को आप वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ता हूँ और अब हम पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये हमें क्या बताती है, यानी कि जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला नाउन है, नाउन के अंदर जैसे हमारे यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, अशोक वाज अ ग्रेट किंग, तो अशोक जो है वो यहाँ पर नाउन है और किंग जो है वो यहाँ पर नाउन है। ग्रेट नाउन नहीं है, ग्रेट किंग की क्वालिटी बता रहा है इसलिए वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आप अगले सेंटेंसेस में सीखेंगे। तो अशोक एंड किंग यहाँ पर नाउन है। हिज करेज वन हिज ऑनर, करेज यहाँ पर नाउन है, ऑनर यहाँ पर नाउन है। कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, कोलकाता नाउन है, नेम ऑफ प्लेस, बैंक नाउन है और हुगली नाउन है। हो सकता है आप रिवर को भी नाउन समझ रहे हो। देखो वैसे तो हर चीज़ ओरिजिनली नाउन ही है लेकिन यहाँ पर जो रिवर है ना वो हुगली की क्वालिटी बता रहा है। ये बता रहा है कि हुगली जो नाम है वो एक रिवर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए जो रिवर है ना ये नाउन नहीं यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस के अंदर कोलकाता, बैंक एंड हुगली ये तीन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है द रोज स्मेल्स स्वीट, यहाँ पर केवल रोज ही नाउन है और कोई नाउन नहीं है। ये स्वीट जो है ये स्मेल के लिए एडवर्ब है और स्मेल जो है ये वर्ब है, तो इस सेंटेंस के अंदर रोज नाउन है। एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है ये अभी आगे लेसन में, इसी लेसन में आपको सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह पर यूज़ हो वो प्रोनाउन कहलाता है। यानी कभी मुझे मुकेश ना बोलना हो तो मैं ही बोल सकता हूँ, कभी मुझे राहुल ना बोलना हो तो मैं ही बोल सकता हूँ, कभी मुझे माई सिस्टर ना बोलना हो, माई मदर ना बोलना हो तो मैं शी बोल सकता हूँ, इट बोल सकता हूँ। यानी कि जो चीज़ नाउन का यानी किसी का नाम या किसी जगह का नाम ना बोल लूँ और उसकी जगह पर यूज़ करना चाहूँ उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो इस नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज़ ही इज़ इल, तो ये जो ही है यहाँ पर हमने जॉन का फिर से यूज़ नहीं किया है और ही लगाया है, तो ये ही जो है ये प्रोनाउन है जो जॉन की जगह पर यूज़ हुआ है। बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, बुक्स की जगह पर लगा है देम और यू तो आप जानते ही हो तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किसी का नाम नहीं है, यू आया है तो एक तो प्रोनाउन हुआ यू और दूसरा प्रोनाउन हुआ यहाँ पर देम, देम जो कि बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोनाउन में तीन तरह के पर्संस होते हैं, फर्स्ट है आई और वी, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बात बोल रहे हैं, यू जिससे बात बोली जा रही है और थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात बोली जा रही है या जिसके बारे में बात हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं आई वी फर्स्ट पर्सन है, इस बात को इनिशियली आप रट लीजिए, समझ लीजिए, कैसे भी कर लीजिए और आगे जाके आप जब इसका यूज़ करेंगे तो आपको ये अच्छे से इसकी पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यू सेकंड पर्सन है यानी जिससे बात चल रही है और थर्ड पर्सन यानी जिनके बारे में बात चल रही है, दे ही शी इट। एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्वालिफायर भी कहते हैं इसको। क्वालिफायर और एडजेक्टिव मतलब जो किसी की क्वालिटी बताए, एडजेक्टिव मतलब जो नाउन की क्वालिटी में कुछ ऐड करते, ओके एडजेक्टिव जो नाउन में कुछ ऐड कर दे वो एडजेक्टिव होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, पहला यहाँ सेंटेंस है ही इज़ अ ब्रेव बॉय, यानी कि वो एक साहसी लड़का है, तो ये जो बॉय नाउन है इसकी क्वालिटी को बढ़ाया है ब्रेव ने, तो ब्रेव क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ बॉय के लिए। दूसरा सेंटेंस लेते हैं देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास, यहाँ पर भी बॉयज़ की क्वालिटी को बढ़ाने वाला वर्ड है 20, तो ये 20 जो है बॉयज़ के लिए एडजेक्टिव हुआ। अब एक दूसरी चीज़ और समझिए इस एडजेक्टिव के अंदर, यहाँ पर लगा था पहले सेंटेंस में ब्रेव यानी कि ये क्वालिटी को बता रहा था और दूसरा एडजेक्टिव है 20 दूसरे सेंटेंस के अंदर ये बता रहा है क्वांटिटी को, यानी कि पहला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ब के बारे में समझते हैं।
वर्ब वो है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, क्रिया को रिप्रेजेंट करती है। क्रिया क्या होती है, एक्शन क्या होता है, आप जितनी भी हिंदी में अगर मैं बात करूं, जितनी भी बातों में आप लगाते हैं, जैसे एग्जांपल दौड़ना, भागना, आना जाना, लेना देना, खाना पीना, लपकना, सुनना, गाना, गिराना, बजाना, उड़ना, ठोकना, पीटना, लपेटना, उधेड़ना, जिन जिन में सब में ना आ रहा है वो सारे ही एक्शन हैं, वर्ब हैं। ओके, तो इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो क्या है, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन, यहाँ पर लिखना यानी राइट यानी सेकेंड फॉर्म रोट, ये यहाँ पर वर्ब है। नेक्स्ट है कोलकाता इज अ बिग सिटी, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, वर्ब जो होती है वो दो तरह की होती है, जैसा कि आप डेफिनेशन में भी पढ़ पा रहे होंगे। वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी एक वर्ब वो है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जिनके बारे में मैंने अभी आपको हिंदी एग्जाम्पल्स दिए, और दूसरी वो है जो अवस्था को रिप्रेजेंट करे। जैसे कोलकाता इज अ बिग सिटी, कोलकाता की अवस्था कैसी है, वो बिग सिटी है, तो यहाँ पर नॉन एक्शन वर्ब है दूसरे सेंटेंस में, यानी इज, तो यहाँ इस क्या बता रही है, अवस्था को बता रही है कोलकाता की, या उसकी क्वालिटी को बता रही है। अगर हम बोलते हैं वी आर इन कोलकाता, तो हमारी अवस्था को बता रहा है आर, आर भी यहाँ पर नॉन एक्शन ही कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, तो आयरन एंड कॉपर के लिए यहाँ आर क्या है, नॉन एक्शन यानी स्टेट को बताने वाला वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब के बारे में जानते हैं। एड प्लस वर्ब से बनता है एडवर्ब, यानी कि वर्ब में जो ऐड करे, सबसे पहली डेफिनेशन है जो वर्ब की क्वालिटी को बढ़ा दे, वर्ब की क्वालिटी में कुछ ऐड करे उसे एडवर्ब कहते हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस यहाँ है, ही सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली। अब इसमें जरा सा एक क्विकली जो है इसको आप थोड़ी देर के लिए मत पढ़िए और बाकी क्वेश्चन को यानी बाकी सेंटेंस को पढ़िए। ही सॉल्व द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब क्विकली लगाते ही क्या हुआ, जल्दी किया, जल्दी ने क्या करा, ये जो सॉल्व है ना, जो एक्शन है हल करना, इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, यानी ये जो क्विकली वर्ड है इसने क्या किया, वर्ब की यानी क्रिया की स्पीड को बढ़ा दिया, तो ये क्विकली क्या कहलाया, ये एडवर्ब कहलाया। सेकंड सेंटेंस में द हॉर्स रैन फास्ट, फास्ट ने क्या करा, हॉर्स की जो दौड़ने की स्पीड है, रन यानी रैन सेकंड फॉर्म, उसको बढ़ा दिया, यानी फास्ट क्या है, एडवर्ब है। दूसरी एडवर्ब की डेफिनेशन है, एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी बढ़ाए। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन की क्वालिटी को बताता है। तो फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल पहले से ही क्वालिटी बता रहा है, उसमें वेरी और लगा दिया, तो वेरी ने ब्यूटीफुल की क्वालिटी को भी बढ़ा दिया, तो वेरी क्या हुआ, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब हुआ, ब्यूटीफुल के लिए एडवर्ब हुआ। तो थर्ड एग्जांपल कुछ इसी तरह का है, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये जो वेरी है ये ब्यूटीफुल की क्वालिटी को बढ़ा रहा है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, वो क्या बता रहा है, फ्लावर की क्वालिटी को बता रहा है, तो वेरी एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। योर टॉक्स आर एब्सोल्यूट नॉनसेंस, नॉनसेंस क्या है, क्वालिटी है यानी एडजेक्टिव है, और उसको बढ़ाने वाला हुआ एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। चलिए नेक्स्ट है, शी सैंग द सॉन्ग क्वाइट मेलोडियसली। अब इसमें से क्वाइट हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर पढ़ते हैं, शी सैंग द सॉन्ग मेलोडियसली। तो आप यहाँ पर सीखते हैं एडवर्ब की अगली डेफिनेशन, वो है कि एडवर्ब वो भी होता है जो एडवर्ब की ही क्वालिटी को बढ़ा दे, यानी अपनी ही क्वालिटी को भी बढ़ा दे, यानी मेलोडियसली पहले से ही एक एडवर्ब था हमारे पास, हमने क्वाइट लगाया तो मेलोडियसली की भी वैल्यू बढ़ गई, तो क्वाइट भी एडवर्ब है और मेलोडियसली भी एडवर्ब है। लास्ट सेंटेंस यहाँ आता है, दी हॉर्स रैन वेरी फास्ट। आप सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे तो हमने पहले ही देखा कि फास्ट क्या है, एडवर्ब है, और फास्ट से पहले जैसे ही वेरी लगा तो वेरी ने फास्ट की क्वालिटी को बढ़ा दिया, यानी एडवर्ब की क्वालिटी को बढ़ा दिया, तो वेरी भी एडवर्ब है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रीपोजिशंस। यहाँ मैं कुछ प्रीपोजिशंस आपको अभी क्लियर कर दूंगा कुछ रियल एग्जांपल्स के थ्रू अभी आपके सामने। पहले तो ये समझिए प्रीपोजिशंस क्या है। प्रीपोजिशन मतलब
प्री प्लस पोजीशन, जो पहले लगे, प्री मतलब पहले और पोजीशन बताए, वो प्रीपोजिशन है। चलिए इसको उठा लेते हैं। अभी ये माउस है और ये माउस पैड है। अब मैं माउस की पोजीशन माउस पैड के रिलेशन में पता करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कैसे इसको डिफाइन कर सकता हूँ। इसके थ्रू हम प्रीपोजिशंस भी सीख लेंगे और एग्जांपल्स भी देख लेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल, माउस इज, क्या बोलूँगा मैं, अंडर, माउस इज अंडर द माउस पैड, माउस इज अबव द माउस पैड, माउस इज ऑन द माउस पैड, माउस इज बीनीथ, बीनीथ मतलब सतह से लगा हुआ, माउस इज बीनीथ द माउस पैड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ भाई मेरी चेयर के नीचे मैग्नेट है, तो मैं कैसे बोलूँगा, देयर इज मैग्नेट बीनीथ माई चेयर, मतलब मेरी चेयर की सतह से लगी हुई है। किसी भी पौधे की, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, द रूट्स ऑफ दिस ट्री आर बीनीथ द ग्राउंड, यानी कि वो जो जमीन है उसकी सतह के नीचे हैं। चलिए अगर इसको इसके अंदर कर देते हैं तो माउस इज इनसाइड द माउस पैड, चलिए माउस इज नियर द माउस पैड, माउस इज बिहाइंड द माउस पैड, माउस इज इन फ्रंट ऑफ द माउस पैड, माउस इज, चलिए एक और सीखते हैं, माउस इज गोइंग थ्रू द माउस पैड, यानी कि जब ये बीच से निकल के जा रहा है तो मैं यहाँ पर थ्रू लगा दूंगा। आई सॉ द मूवी थ्रू माई आईज, मतलब माइंड ने आंखों के द्वारा मूवी को देखा। तो कभी कभी आपने ये सेंटेंस ज़रूर सुना होगा, यहाँ आईज के द्वारा देखने पे हम थ्रू लगा देते हैं। चलिए मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर है, बाकी और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं इन आगे की प्रीपोजिशंस के थ्रू। इन आप देख चुके हैं, आउट मतलब बाहर, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, इन टू तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर गति के साथ जा रही होती है, जैसे ही जम्प्ड इन टू द रिवर, यानी कि वो रिवर के अंदर भी जा रहा है और गतिशील भी है, इसलिए हमने इन टू लगाया। अंडर आप सीख चुके हैं नीचे होना, किसी चीज़ के बिलो और अंडर सेम ही है। विद मतलब साथ, मैं अपने पापा के साथ बाजार में हूँ, आई एम विद माई फादर इन द मार्केट। अबव आप देख चुके हैं ऊपर होना, ऑन आप देख चुके हैं, बिहाइंड जो है, बिहाइंड का मतलब है पीछे, आप जान चुके हैं, नियर आप देख चुके हैं पास में होना, बिसाइड और नियर सेम ही है, इन फ्रंट ऑफ सामने, ओवर और अपॉन को समझते हैं। ओवर और अपॉन का मतलब है, मान लीजिए कोई चीज़ किसी के ऊपर से गुजरती है तब आप ओवर यूज़ करते हो, जैसे आप सभी के शहर में फ्लाईओवर्स होंगे, तो फ्लाईओवर्स क्या हैं, वो ऊपर से जा रहे हैं हमारे, इसलिए उन्हें फ्लाईओवर्स कहते हैं। दिस आइडिया बाउंस्ड ओवर माय हेड, ये आइडिया मेरे सर के ऊपर से गया, यानी टच करके नहीं गया, ऊपर से ही निकला, तो इसलिए यहाँ ओवर लगा देते हैं। किसी के ऊपर से जब गाड़ी निकलती है, द कार रैन ओवर हिम, उसके ऊपर चढ़ गई या ऊपर से निकल गई, तो यहाँ ओवर लगता है। अपॉन की बात करें तो अपॉन तब यूज़ होता है जब किसी को टच करके कोई चीज़ निकलती है। दी कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, स्प्रैंग मतलब कैट ने छलांग लगाई टेबल के ऊपर से, यानी कि वो पहले टेबल पे पैर रखे और फिर उसने छलांग लगाई। बीनीथ मतलब सतह के नीचे, अंडरनीथ भी सतह के नीचे ही होता है, लेकिन इसका एक यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप जो अंडरगारमेंट्स पहनते हैं वहाँ पर यूज़ होता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलना है अपने ब्रदर से, अगर वो सर्दी में बाहर जा रहा है, कि भाई अंदर कुछ पहना, तो आप बोल सकते हो डिड यू वियर समथिंग अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब अंदर कुछ पहना। मैं अंदर येलो कलर की टी शर्ट पहने हुए हूँ, आई एम वियरिंग येलो टी शर्ट अंडरनीथ, यानी अगर जैकेट के अंदर आपने टी शर्ट पहनी हुई है। टूवर्ड्स मतलब की ओर, चलो पेट्रोल पंप की तरफ चलते हैं, लेट्स गो टूवर्ड्स पेट्रोल पंप। फ्रॉम का मतलब है किसी चीज़ से अलग होना, जब कोई चीज़ अलग होती है।
आई वेंट अवे फ्रॉम यू, मैं तुमसे दूर चला गया। टू का मतलब है डेस्टिनेशन, जब कोई चीज़ डेस्टिनेशन की तरह यूज़ होती है यहाँ पर, मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल जो है वो मंजिल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए टू लगा है। ऑफ मतलब का, यानी ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल का कवर, दी कवर ऑफ माय मोबाइल। आगे बढ़ता हूँ, अबाउट, अबाउट का मतलब है बारे में, ओके। ऑफ का मतलब है किसी चीज़ से अलग होना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ माउस टेबल से गिर गया, तो मैं बोलूँगा दी माउस फेल ऑफ द टेबल, यानी जब वो गिरा तो टेबल से अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर ऑफ लगेगा, ओ डबल एफ। थ्रू मैं आपको बता ही चुका हूँ, किसी चीज़ के दौरान या द्वारा, ओके। और बीच से निकलना, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर। फॉर का मतलब है लिए, के लिए, ओके। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, सिंस यूज होता है समय के लिए, निश्चित समय के लिए, सिंस 1999। आपने कभी देखा हो किसी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट की, जब कहीं पे स्टोन लगा होता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये सिंस 1999 ये सोसाइटी को सर्व कर रहा है। ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, यानी कि इस कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंजंक्शन सीखते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है जो कंजक्ट करे, कंजक्ट का मतलब होता है जोड़ना, जो या तो दो वर्ड्स को जोड़ दे या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ दे। तो एग्जांपल देखिए, रामा एंड हरी आर कजिन्स, रामा और हरी को जोड़ रहा है एंड, तो एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। टू एंड टू मेक फोर, तो टू एंड टू इनको जोड़ने वाला है एंड, तो एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन, तो बट यहाँ पर कंजंक्शन है दो सेंटेंसेस को जोड़ने की वजह से। शी पास्ड बिकॉज शी डिड हार्ड वर्क, तो बिकॉज यहाँ पर कंजंक्शन है दो सेंटेंसेस को जोड़ने की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरजेक्शन के बारे में जानते हैं। इंटरजेक्शन जो है, आप देख रहे हैं इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो मैं आपको ये कन्वे करना चाहूँगा, इंटरजेक्शन 8th नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अगर आपको याद हो तो हमने बताया था भाव, जैसे भाव आते हैं जिस सेंटेंस के अंदर, तो एक्सक्लेमेटरी तो सेंटेंस का टाइप है और इंटरजेक्शन बॉडी का पार्ट है सेंटेंस की, यानी कि एक्सक्लेमेटरी पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है और इंटरजेक्शन केवल एक या दो वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है जो किसी सेंटेंस का पार्ट बन सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पहले ही सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं हुर्रा वी हैव वन द गेम, यानी ये जो हुर्रा है ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन मतलब कोई ऐसा शब्द जो मन के अचानक भाव को रिप्रेजेंट करे। तो आप कई बार ऐसा बोलते हैं वाओ, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, इस तरह के जब भी आप एक्सप्रेशंस देते हैं, अमेजिंग, फैंटास्टिक, एक ही जो शब्द होता है वो इंटरजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ब्रेवो, शाबाश, शाबाश मतलब ब्रेवो, तो ये जो ब्रेवो है ना, यहाँ पर आपका जो एक सेंटेंस के अंदर आपने भाव, एक सेंटेंस नहीं, एक शब्द के, एक वर्ड के अंदर जो आपने भाव दिए ना, वो इंटरजेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट हो गए और आगे का सेंटेंस आप देख रहे हैं हमने सिंपल बना दिया है। तो यहाँ पर इंटरजेक्शन अपने आप में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह भी काउंट हो सकता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर आगे का सेंटेंस जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। और बाकी इंटरजेक्शंस में बहुत सारे इंटरजेक्शंस होते हैं, आप गूगल पे जाएं और सर्च करें, इंटरजेक्शंस की लिस्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे। कुछ पॉपुलर जो है वो मैंने आपको यहाँ सामने लिख दिए हैं। अलास, बड़े दुख की बात है। बिंगो, जब एक्साइटमेंट शेयर करना हो, कोई आप फॉर एग्जांपल क्विज जीत गए या कोई गेम जीत गए या किसी आपके फ्रेंड ने सिक्सर मार दिया लास्ट बॉल पे। चीयर्स, आप बोलते ही हैं चीयर्स। डैम इट, जब कोई काम बिगड़ जाए, ओ यानी थोड़ा सा सरप्राइज दिखाने के लिए किसी सिचुएशन में। नेक्स्ट है वाओ, यानी हैप्पीनेस को दिखाने के लिए। नोप, यानी जब आप किसी बात के लिए डिसएग्री कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कहीं कहीं आप बोलते हो ना कि भाई मेरे साथ चल रहे हो क्या, नोप आई हैव सम अदर वर्क, ओके। नेक्स्ट है ओ माई गॉड, या फिर ओ माई गॉश भी आपने कई बार शायद सुना होगा। ये था इंटरजेक्शन।
अभी तक जो इंटरजेक्शन की तक ही बात करूं तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। मॉडर्न इंग्लिश में एक पार्ट ऑफ स्पीच और जुड़ गई है, वो है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स वो हैं जो डिटरमाइन करते हैं सेंटेंस में, डिटरमाइन करते हैं कि किसके बारे में बात चल रही है। इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है। मान लीजिए मैं एक क्लास में खड़ा हूँ और उस क्लास में तकरीबन 100 स्टूडेंट्स हैं, वो बैठे हैं, और मैं बोलता हूँ आई स्टूडेंट, यानी मैं एक की बात कर रहा हूँ। एन लगा सकता हूँ अगर मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, एयरप्लेन की बात कर रहा हूँ, तो आप जानते हो ए और एन के बारे में तो अच्छा सा, लेकिन आगे बाकी चीज़ों के बारे में समझते हैं। द स्टूडेंट, दिस स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट, दीज स्टूडेंट, ये वाले स्टूडेंट्स, यानी दोज स्टूडेंट्स, वो वाले स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, इसका मतलब एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स, मैनी, बहुत सारे, एनी यानी कोई भी, वन यानी कोई एक। यानी आप देख पा रहे हैं मैंने किसी की तरफ कोई पर्टिकुलर इशारा नहीं किया है, लेकिन फिर भी डिटरमाइनर यूज़ करने की वजह से मेरे दिमाग में स्टूडेंट्स की संख्या ऊपर नीचे होती जा रही है। सम बोलते ही थोड़े हो गए, मैनी बोलते ही मेरे दिमाग में पिक्चर ज़्यादा हो गई, दीज बोलते ही मैं पीछे की बजाय पास वाले स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगा, और दोस्त बोलते ही मैं पास वाले स्टूडेंट्स की बजाय पीछे की तरफ देखने लगा। यानी कि इन डिटरमाइनर से हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होती है कि किसके बारे में बात चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इसको लेकर बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैं 8 सेंटेंसेस ले रहा हूँ और इन 8 सेंटेंसेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप चाहें तो एक बार इस लेसन को दोबारा वॉच कर लें, बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं या बॉडी पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस हैं इनको समझने के लिए, जिससे कि आप इसमें मेरे सजेशन से पहले ही अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोच पाएँ। तो फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, वो है स्टिल वाटर्स रन डीप। यानी कि यहाँ पर अब मैं फाइंड आउट करूँगा कि इस सेंटेंस के अंदर जो हर पार्ट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हर वर्ड इस सेंटेंस के किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ वाटर्स की क्वालिटी को बढ़ा रहा है स्टिल, तो वाटर तो नाउन है और जो स्टिल है वो है एडजेक्टिव। तो स्टिल वाटर्स, जो स्टिल वाटर्स होते हैं, दे रन डीप, रन मतलब वर्ब और डीप मतलब रन की गहराई बता रहा है, तो डीप हो गया एडवर्ब। तो स्टिल एडजेक्टिव, वाटर्स नाउन, रन वर्ब एंड डीप एडवर्ब। सेकेंड सेंटेंस, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम्स नाउन, फास्ट वर्ब, कुछ एक्शन है, व्रत रखते हैं, ओके। इन प्रीपोजिशन द डिटरमाइनर, द से आप जानते ही हो, ऊपर लिस्ट भी मैंने दी हुई है, द डिटरमाइनर, द हमेशा नाउन या एडजेक्टिव से पहले ही लगेगा, ओके। द इंटेलिजेंट पर्सन कह सकता हूँ मैं, तो द डिटरमाइनर है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और पर्सन जो है वो नाउन है। तो मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, मुस्लिम्स नाउन, फास्ट वर्ब, इन प्रीपोजिशन द डिटरमाइनर, मंथ नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, रमज़ान नाउन। ही लिव्स इन दैट हाउस, ही प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, चाहता तो किसी लड़के का नाम होता, लेकिन यहाँ किसी का नाम ना होकर यहाँ पर ही है। ही लिव्स इन दैट हाउस, ही प्रोनाउन, लिव्स वर्ब, इन प्रीपोजिशन, दैट डिटरमाइनर, हाउस नाउन। फोर्थ सेंटेंस, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। चलिए इसे समझते हैं, आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद में, यानी अवस्था की बात हो रही है। तो आफ्टर हुआ प्रीपोजिशन, तूफान के बाद में, तो आफ्टर इज प्रीपोजिशन। After the, da means determiner, storm means noun, after the preposition comes verb, the जो है वो आपका determiner है और काम जो है वो आपका noun है। आपको याद होगा हमने सीखा था जब special sentences या daily life sentences हम सीख रहे थे, तो काम noun हमने पढ़ा था, तो काम वहाँ पर verb था,
लेकिन यहाँ पर काम जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डिटरमाइनर के बाद नाउन ही आ सकता है। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, यानी कि यहाँ जो आफ्टर है इसे देखते ही आप ये मत समझना कि ये प्रपोजिशन है। अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमारा प्रपोजिशन था, यहाँ इसका फंक्शन बदल गया है। वहाँ तो इसका मीनिंग था फोर्थ सेंटेंस में कि तूफान के बाद में, वहाँ बता रहा था पोजीशन को, इसलिए प्रपोजिशन था। यहाँ है द आफ्टर इफेक्ट्स, बाद वाले इफेक्ट्स, यहाँ बता रहा है इफेक्ट्स की क्वालिटी को। द आफ्टर इफेक्ट्स तो बना द डिटरमाइनर, आफ्टर एडजेक्टिव, इफेक्ट्स नाउन ऑफ प्रपोजिशन, द डिटरमाइनर ड्रग नाउन आर वर्ब, वर्ब मतलब जो अवस्था को बताती है, नॉन एक्शन वर्ब। बैड मीन्स एडजेक्टिव, किसका, इफेक्ट्स का। चलिए सिक्स वन है, ही इज ऑन द कमिटी, ही प्रोनाउन इज वर्ब नॉन एक्शन वर्ब, ऑन प्रपोजिशन द डिटरमाइनर कमिटी नाउन। सेवन्थ है, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, ही प्रोनाउन टोल्ड वर्ब अस प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब ये वी क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वी आपको प्रोनाउन बताया ही था उसका, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहलाता है अस। ओके, ही का हिम होता है, यू का यू होता है, मैं आप अगले एक दो लेसन्स में इसको कवर करूँगा। तो ही प्रोनाउन टोल्ड वर्ब अस प्रोनाउन ऑल अबाउट द बैटल, ऑल डिटरमाइनर अबाउट प्रपोजिशन द डिटरमाइनर बैटल नाउन। लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, द डियर रैन वेरी फास्ट फॉर एस्केप, द डिटरमाइनर डियर नाउन रैन वर्ब वेरी एडवर्ब फास्ट एडवर्ब, आपको याद होगा एडवर्ब के अंदर हमने पढ़ा था द हॉर्स रैन वेरी फास्ट, तो फास्ट भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है। फॉर प्रीपोजिशन और एस्केप माने होता है बच निकलना, तो एस्केप कहने को तो यहाँ पर नाउन है लेकिन वैसे जनरली वर्ब की तरह यूज होता है, क्योंकि बच निकलना ना मतलब वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज हुआ है। तो उम्मीद है इन सारी एक्सरसाइज को देखने के बाद या इन सेंटेंसेस को देखने के बाद थोड़ा थोड़ा आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला, हो सकता है ये लेसन आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगा हो, लेकिन इसका जो यूज़ है वो मैं आने वाले लेसन में क्लियर करूँगा कि आपको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर आज ही मैं आपको ये बता दूंगा कि इससे किस तरह से रोड चौड़ी होने वाली है तो शायद आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले इस लेसन में ये जितनी भी एक्सरसाइज में मैंने आपको 8 सेंटेंसेस बताए हैं, या ये जो मैंने आपको 9 पार्ट ऑफ बॉडी या बॉडी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस बताए हैं, इनको आप फिर से रिव्यू कर लें, इनको समझ लें और एक छोटी सी एक्सरसाइज करें कि जो मैंने आपको स्टोरी रीडिंग बताई थी ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो वहाँ मैंने आपको एवरी वन हैज़ अ स्टोरी वाली एक स्टोरी बताई थी जिसका टाइटल था एवरी वन हैज़ अ स्टोरी। उस स्टोरी में एक एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच आप डिटरमाइन करें पेंसिल से, आप उसको लिख लें या उस स्टोरी को कॉपी करके उसके ब्रैकेट में आप लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दें, मैं उसको करेक्ट करके आपको रिप्लाई करूँगा। वरना इतना ही आप समझ लें, ये भी आपके लिए सफिशियंट रहेगा, क्योंकि जब नेक्स्ट लेसन में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन चीज़ों को या इन बॉडी पार्ट्स को समझने के साथ मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और हमारे लेसन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि आपको 11th लेसन प्रोवाइड करूँ और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।